आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार करेंगे। आपके मोबाइल में कोई सा भी ऐप हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रोसेस सेम है। मैं आपको शॉपसी से शॉपिंग करके दिखाने वाला हूं। शॉपसी और फ्लिपकार्ट दोनों एक ही कंपनी है। आप शॉपसी से करें या फ्लिपकार्ट से करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक कंपनी है। तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे किसी भी ऐप को, तो आपको सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहीं पे नीचे देखें क्या दिया हुआ है, कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी का सामान लेना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें ब्यूटी का है, इलेक्ट्रॉनिक है, किड्स के लिए है, फर्नीचर है, तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर ले, या फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी ऑफर होगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऊपर यहाँ पर देखें थ्री लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा फर्स्ट में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी ओपन हो जाएगा। और किस कैटेगरी का आपको सामान खरीदना है यहाँ से आप देख सकते हैं, वुमेंस के लिए लेना है, मेंस के लिए लेना है, जिसके लिए भी लेना है आप यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी एक और है, एक सर्च का है, चलिए मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब बैक करेंगे, जब होम पेज में आएंगे तो यहाँ पर देखें ऊपर एक सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक टी शर्ट टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको सामान खरीदना है उसको यहाँ पे टाइप करके ओपन करना है, सर्च करना है। सर्च करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टी शर्ट टाइप किया था। और इसी में आपको नीचे स्लाइड करेंगे, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है उस पर आप क्लिक करके मंगा सकते हैं। और नीचे देखें कूपन दिया हुआ है, यहाँ पे देखें 25 रुपये का कूपन अवेलेबल दिया हुआ है। अगर ये सामान खरीदते हैं, कूपन अप्लाई करते हैं, तो आपको 25 रुपये डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल कोई प्रोडक्ट खरीद के मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जब आप प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको एक बल्ब खरीद के दिखाता हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वो भी मोबाइल से। जैसे जो भी आपको खरीदना है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है क्या क्या चीज़ है, जैसे ये बल्ब है तो कितने वाट का है, कौन सा कलर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। MRP कितना था, आपको यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है, और कितना आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर देखें और नीचे स्लाइड करेंगे तो कोई और ऑफर होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पैकिंग देख सकते हैं, ये पैक है, कितने वाट का है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें डिलीवर टूर, यानी कहाँ पे आपको ये पहुँचाया जाएगा, यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर चेंज है, चेंज पे क्लिक करेंगे, अगर पहले से इसमें आपका अकाउंट बना हुआ है और पहले से आपका एड्रेस डाला हुआ है तो चेंज पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर फर्स्ट टाइम है तो नीचे यहाँ पर पिन कोड डाल के आपको सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर करेंट लोकेशन ले लेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कोई एड्रेस ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहले से एड्रेस ऐड था तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें डिलीवरी चार्ज कितना है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्री है, और कब तक ये पहुँचेगा, किस डेट, कौन सा तारीख, कौन सा दिन, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मटेरियल कौन सा है, कलर कौन सा है, बल्ब का शेप कौन सा है, टोटल डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल यहाँ देख सकते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे तो रिव्यू देख सकते हैं, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो आप सामान खरीद सकते हैं, रिव्यू में अगर आपको नेगेटिव लगे तो आप सामान नहीं भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ देखें खरीदने, अब यहाँ पर देखें मान लीजिए यहाँ गो टू कार्ट है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो कार्ट में सेव हो जाएगा। और आप अगर एक से दो तीन आइटम और खरीदना चाहते हैं तो एड टू कार्ट करके उसके बाद बैक करके आप दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सामान लेते हैं और आप कार्ट पर डालते हैं, उसी तरह इसमें भी है, आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं कार्ट में डाल दें और दूसरा प्रोडक्ट के लिए सर्च करें। और दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसके फिर से आपको एड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि दोनों, एक जूता और एक बल्ब, दोनों एक जगह आ जाएगा। देख सकते हैं मेरे यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर आपको बताया था, एक जूता है एक बल्ब है, वो दोनों एक जगह आ चुका है। इस तरह से आप कार्ट एड टू कार्ट करके आप एक से दो तीन आइटम जोड़ सकते हैं। अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव का भी बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे तब ये कार्ट से हट जाएगा। जो मान लीजिए आपको पसंद नहीं है तो रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे यहाँ पर रिमूव हो चुका है और मेरा यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बचा हुआ है। और चलिए मैं आपको उसको बाय करके दिखाता हूँ किस तरह से खरीदा जाता है। यहाँ पर देखें पूरा यहाँ पर रिसेलिंग ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट मिला है, डिलीवरी चार्ज कितना है,
और कितना आपका सेविंग हुआ है, टोटल कितना आपको पेमेंट करना है यहाँ देख सकते हैं। और प्लेस ऑर्डर है, इस पर क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से आ जाएगा। अगर एड्रेस चेंज करना है या फिर नया एड्रेस डालना है तो चेंज पे क्लिक करना है। अगर नया एड्रेस डालना है तो ऊपर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे चेंज पे तो ऊपर एड ए न्यू एड्रेस है, उस पर क्लिक करके नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। चेंज करना है तो चेंज भी करके डिलीवर हेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ पर वही है। अब नीचे आपको कंटिन्यू है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें UPI द्वारा तो वो भी कर सकते हैं, वॉलेट द्वारा का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कार्ड द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए है, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, अगर आपका प्रोडक्ट घर पर आए उसके बाद पेमेंट करें तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लेस ऑर्डर है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, नंबर दिखाई देगा, इसी नंबर को आपको क्या करना है नीचे डालना है। और यहाँ पे डालने के बाद कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल लिया और कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ट्रैक करना चाहते हैं तो नीचे देखें लिखा हुआ ट्रैक एंड मैनेज ऑर्डर, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब पहुँचने वाला है, क्या इसका स्टेटस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप से अपने मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रोसेस सेम है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।